बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का शनिवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। जेटली की तबीयत पिछले कुछ वक्त से खराब चल रही थी, जिसके चलते जेटली सक्रिय राजनीति से दूर थे। जेटली के निधन से देश भर में शोक की लहर है। अरुण जेटली के निधन के बाद पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात से जेटली के परिवार से बात की है। पीएम मोदी ने अरुण जेटली की पत्नी और उनके बेटे से बात की और संवेदना जाहिर की। पीएम ने अपने शोक संदेश में जेटली को दिग्गज नेता, बुद्धिजीवी और प्रखर कानूनविद बताया है। अरुण जेटली के निधन से शोक की लहर है। कई नेताओं ने संवेदना जाहिर की है। गृहमंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जेटली के निधन से बेहद दुखी हैं। जेटली के निधन को उन्होंने व्यक्तिगत क्षति करार दिया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत तमाम दलों के नेताओं ने जेटली के निधन पर दुख जाहिर किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में श्रीनगर गए विपक्षी दलों के डेलीगेशन को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। विपक्ष का ये डेलीगेशन आर्टिकल 370 हटाने के बाद के हालातों का जायजा लेने के लिए श्रीनगर गया था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। राज्य के नारायणपुर जिले में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को ढेर कर दिया। इस घटना में 2 जवान भी घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की फ्रांस यात्रा के बाद यूएई पहुंच गए हैं। अबुधाबी में पीएम मोदी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय हितों पर भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से भी नवाजा जाएगा। ट्रेड वॉर को लेकर चीन और अमेरिका में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी उत्पादों पर चीन की तरफ से 2 नए शुल्क लगाए जाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने चीन पर हमला बोलते हुए शुल्क बढ़ाने को अनुचित व्यापारिक संबंध बताया। ट्रंप ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया। महाराष्ट्र में मुंबई के पास भिवंडी के शांतिनगर इलाके में 4 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग मलबे में दब गए। राहत और बचाव काम जारी है। भारतीय ऑटो सेक्टर इस वक्त कई परेशानियों से गुजर रहा है। तमाम कंपनियों से हजारों लोगों की छटनी कर दी गई है, तो वहीं कई हजार कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी है। इस सेक्टर में आई तेज गिरावट से गाड़ियों के पार्ट सप्लाई करने वाली 400 कंपनियों को इस वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। देश भर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मनाई। यहां उन्होंने भगवान कृष्ण की आरती की। इस दौरान हजारों श्रद्धालु भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। सीएम ने बच्चों के साथ भी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया।